हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हमने इजिप्ट को लिया हुआ है। इजिप्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहस्य समेटे हुए हैं और इजिप्ट के लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि इस जीवन के बाद भी कोई दूसरा जीवन होता है। मीन्स वो आफ्टर लाइफ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे। यही वजह है कि वहाँ के लोग मरने के बाद भी जो डेड बॉडी होती थी उसको प्रिजर्व किया करते थे और कपड़े में लपेट के उसकी ममीज़ बनाते थे। और इवन एक टाइम पे इतनी ज़्यादा ममीज़ हो गई कि उसका व्यापार होने लगा। वहाँ के कुछ बिजनेसमैन लोग यूरोप और दूसरे देशों में ममीज़ को बेचने लगे और उन देशों ने क्या किया कि ममीज़ के ऊपर से कपड़ा उतार के उस कपड़े में खाने को परोसा जाने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई। हैजा, कारला जैसे बहुत तरीके की बीमारियां उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा पनपी और त्रासदी के रूप में सामने आई। दोस्तों, उस टाइम के जो रसूखदार लोग हुआ करते थे, जैसे राजा हो गए, महाराजा हो गए और भी रिच लोग, तो उन लोगों की जब डेथ हुआ करती थी तो लोगों का मानना था कि उनके जीवन काल में जिन्होंने भी उनकी हेल्प की, जो उनके नौकर चाकर थे, जो उनकी देखभाल किया करते थे, तो उनको भी वो लोग मार के ममी बना दिया करते थे। इस बिलीफ के साथ कि जो वो दूसरा जन्म जिएंगे मरने के बाद में, उसमें भी वही नौकर चाकर उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगे और देख रेख करेंगे। दोस्तों, आपने कैनलिज्म वर्ड जरूर सुना होगा। ये एक अंग्रेजी वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है कि इंसान ही इंसान को खाता है। उस ज़माने में ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप मम्मी का अगर वो हिस्सा खा लेते हैं तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अमूमन हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी को दिमाग की बीमारी है या किडनी का बीमारी है, तो वो लोग मम्मी का कपड़ा खोल के, मम्मी को क्रश करके वही पार्ट निकाल के खाया करते थे, इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ कि उनकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, ये कैनलिज्म का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही इजिप्ट के लोगों का सूर्य देवता में स्ट्रॉन्ग बिलीव था, वे उसकी पूजा किया करते थे। इवन किसी ने भी अगर सूर्य देवता की आलोचना की या कोई भी ऐसा अभद्र टिप्पणी की तो एक दंडनीय अपराध के तौर पे उसको मौत जरूर दी जाती थी। इजिप्ट का कानून बहुत ही टफ था। दोस्तों, आप लोगों ने तूतनखामून, फिरोज़ का नाम जरूर सुना होगा। ये एक बड़े राजा हुआ करते थे और मानते हैं कि इनकी ममीज़ के पास जाने से श्राप लग जाता है। वहाँ के लोग इसकी ममीज़ के पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे क्योंकि वो पूरी तरीके से श्रापित थी और जो भी इनकी ममीज़ के साथ छेड़छाड़ करता था उसकी डेथ तक हो जाया करती थी, ऐसा सुनने में आता है। इजिप्ट के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। गीज़ा के पिरामिड्स के बारे में आपने ज़रूर सुना है, कहीं ना कहीं देखा भी होगा। उसका एक पत्थर भी काफ़ी टन का होता है, लेकिन उस टाइम जब ना तो कोई क्रेन्स थी ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज थी कि इन चीज़ों को इधर से उधर लिए जाया जा सके, लेकिन तभी भी उस पिरामिड का निर्माण हुआ। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उस टाइम पे एलियंस भी हुआ करते थे, जो कि आप उसकी दीवारों पे देख सकते हैं। वो लोग एलियन जैसी आकृति वाले लोगों की पूजा भी करते थे। इजिप्ट में ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि कोई तो ऐसी शक्ति थी जो इजिप्ट के लोगों का हेल्प करती थी। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जो इजिप्ट का गीज़ा का पिरामिड है वो एलियंस की मदद से ही बनाया गया है, क्योंकि वहाँ की दीवारों पे एलियंस की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं और वो लोग एलियन जैसी आकृति के गॉड की पूजा भी किया करते थे। दोस्तों, हमने काफ़ी रिसर्च के बाद इजिप्ट के बारे में जितना भी हो सकता था आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको ये क्यों पसंद नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। मिस्टीरियस थिंग्स में हम फिर से किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।